सेक्शन 17 जो जीएसटी का है वो बताता है कि अपोर्शनमेंट और क्रेडिट, जो ब्लॉक क्रेडिट है उसके बारे में बताता है। जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने सेक्शन 16 में डिस्कस किया, उसका जो अपोर्शनमेंट होगा वो कैसे कैसे होगा वो हमारा सेक्शन 17 बताता है। इसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है, सबसे पहले वो बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द बिजनेस यूज़ एंड पार्टली फॉर द पर्सनल यूज़। तो फिर उस केस में हम क्रेडिट को कैसे एट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए कि अगर जो हमारा कोई पर्सन है उसके बिजनेस में, जैसे बिजनेस के लिए जनरली मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन एज ए सर्विस की बात करूँ तो उस केस में क्या होगा, पार्टली वो खुद बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, पार्टली वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। तो जितना जो हमारा सर्विस के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, तो उसका जो क्रेडिट होगा वो दो हिस्सों में बटेगा, एक हिस्सा उसके पर्सनल यूज़ वाले होगा और एक हिस्सा जो बिजनेस के लिए होगा। तो हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट मिलेगा कंपनी को वो किस पे मिलेगा, वो जाहिर सी बात है जो सप्लायर जो रिसिपेंट है उसको किस पे क्रेडिट वो ले सकता है, वो वाला पार्ट ले सकता है जो एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस हो, मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस है उसी का क्रेडिट वो ले सकता है। मतलब क्या है कि जो इन्वॉइस के अंदर जो सेक्शन 16 में तो क्या था कि इन्वॉइस में जो क्रेडिट होगा वो हमने सीधा सीधा देख लेना था, अब वो क्रेडिट एलिजिबल है भी या नहीं है ये कौन बताता है, ये सेक्शन 17 बताता है। तो सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 ये बताता है कि अगर वो बिजनेस पर्पज़ और पर्सनल पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ करता है तो आपका जो बिजनेस पर्पज़ वाला हिस्सा है वो वाले का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई और पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो फिर उस केस में जो क्रेडिट है वो किसका किस हिस्से का ले पाएगा, जो टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई है उसके एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई होगा उसके लेगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऑलरेडी जीएसटी लाइवेबल नहीं होगा, तो जब लाइवेबल ही नहीं होगा तो उसे क्रेडिट ले नहीं सकता। तो ये हमारा सेक्शन 17(2) बताता है। फिर आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, ये बताता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सारे इंक्लूड होते हैं जो रिवर्स चार्ज में सप्लाई इन विच रिसिपियंट पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो 9(3) और 9(4) के अंदर था वो आएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग के बारे में आता है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में कंसिडर होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस की लिस्ट हैं। तो सेक्शन 17 बस एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में बताता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के बारे में, अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इनपुट टैक्स रेट है वो कैसे लेते हैं। देखो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा और हर महीने का अलग अलग होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कस्टमर बेस है और हर एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं तो उनका अलग अलग तरीके से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग अलग तरीके का एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो उसमें वो किसका क्रेडिट वो ले पाएंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हैं वो अगर ये फाइंड आउट कर सकते हैं तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन के पास है कि वो 50% क्रेडिट ले लें एवरी मंथ, जो भी उनका पूरे मंथ का टोटल मारेंगे जो उनका क्रेडिट होगा उसका 50% हर महीने क्रेडिट कर लेंगे, मतलब इस महीने जो 50% ले लिया फिर अगले महीने उसका 50% ले लेंगे जो भी मतलब कंबाइन आता रहता है। ये हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कहता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो बताता है कि ITC नहीं अवेलेबल होगा कौन कौन से केसेस के अंदर, ये ब्लॉक क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का जो पहला पार्ट है वो कहता है मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस, अगर मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास तो आप अवेल नहीं कर सकते जनरल टर्म में, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए वो फर्दर सप्लाई के लिए है, जैसे मान लीजिए कोई जो डीलर होते हैं जो व्हीकल को लेते ही आगे फर्दर सेल करने के लिए, तो उनको तो क्रेडिट मिलना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनका अल्टीमेट कंज्यूमर तो है नहीं। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हैं या फिर यूज़ करना है उसको इम्पेयरिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग फ्लाइंग इनके लिए यूज़ करेंगे, मतलब क्या करेंगे जो गाड़ी है उसका यूज़ करेंगे हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें ड्राइविंग सिखाएंगे तो उस केस में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा बात है अगर फूड बेवरेज, दूसरा जो 17 सबसेक्शन 5 का जो दूसरा सबसेक्शन है वो बताता है फूड बेवरेज आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विस कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये कुछ एक आइटम बता रखे हैं जिसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक किया हुआ है, बशर्ते कि जो इनपुट और आउटवर्ड इनवर्ड और आउटवर्ड अगर सेम कैटेगरी के हों तो उस केस में अलाउ हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए अगर इसमें फूड और बेवरेज की बात करूं, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा होटल है जो रेस्टोरेंट है वो दूसरे रेस्टोरेंट से परचेज करता है ताकि वो फर्दर सप्लाई कर सके, या एग्जाम्पल के लिए फूड और बेवरेज में जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे समोसे बनाने हैं, समोसे के लिए मैदा परचेज किया तो मैदा उसके लिए इनपुट है रेस्टोरेंट। अब मैदा अगर एज ए कस्टमर मैं अगर किसी स्टेशनरी की शॉप है और मैं मैदा खरीदता हूँ तो मेरा जाहिर सी बात है इनपुट तो नहीं है ना स्टेशनरी को सोल्ड करने का,
तो स्टेशनरी का इनपुट तो महंगा नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरे को ब्लॉक क्रेडिट कराओ, मेरे लिए ब्लॉक क्रेडिट है। लेकिन अगर वही किसी रेस्टोरेंट की बात करता हूँ तो उसके लिए उनको अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सेम कैटेगरी का है। उसके अलावा फिर दूसरा आता है मेंबर ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस, अगर इस तरह के मेंबर को जो कोई सर्विस दी जाती है तो वो भी ब्लॉक क्रेडिट में आएगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। रेंट ए कैब और लाइफ इंश्योरेंस, रेंट ए कैब का मतलब अगर कैब को रेंट पे हमने दिया है तो उस केस में भी जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा, बशर्ते इसमें भी अगर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट नोटिफ, और लाइफ इंश्योरेंस केस में भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट नोटिफाई किया हुआ है, कंपनी के ऊपर कंपल्सन लगा रखी है, जैसे जो कॉल सेंटर्स होते हैं तो वो क्या होता है नाइट शिफ्ट लगती है, तो नाइट शिफ्ट में कंपलसरी है कि जो भी स्टाफ है उनको घर तक ड्रॉप करने के लिए वो कैब प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसा कुछ कंपलसरी गवर्नमेंट नोटिफाई किया हुआ है तो उस केस में उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से देते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस का है, अगर वो कंपल्सन है तो मिल जाएगा इनपुट क्रेडिट, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर ट्रैवल बेनिफिट आपने एक्सटेंड कर दिया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय किस ऑफिस के काम से कहीं गया था और उसने उसका कुछ 2-4 दिन का एक्सटेंशन दे दिया आपने ताकि वो अपना एंजॉय कर सके, तो फिर उस केस में उस पे जो अब उसके बाद जो फर्दर जो नॉर्मल ऑफिस के काम के बाद का जो टाइम है एक्सटेंशन है, उस पीरियड में जो भी इनपुट क्रेडिट आएगा उसको आप अवेल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस अंडर विच टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपने पे किया है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP एक्सेप्ट द गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, अगर इस केस में NRTP ने कोई लिया है इनपुट तो उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर द पर्सनल कंडीशन, अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज का यूज पर्सनल कंडीशन के लिए किया है तो इन दैट केस भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है गुड्स लॉस्ट स्टोलन और डिस्ट्रॉय, अगर गुड्स राइट ऑफ डिस्पोज बाय गिफ्ट और फ्री सैंपल, अगर हमने गुड्स को इस तरीके से डिस्पोज हुआ है तो उस केस में भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि हर कोई बोलेगा कि मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया, उसका अपने आप इनवॉइस बनाएगा और उसकी क्रेडिट लेता जाएगा, तो इसके स्टॉप करने के लिए सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 इनको ब्लॉक करता है। उसके अलावा है टैक्स पेड अंडर 74, 129 और 130, ये जो सेक्शंस हैं हमारे पास ये आपके लिटिगेशंस और अगर फर्जीवाड़े जो 74 अगर फ्रॉड का केस में पकड़े गए और फिर आपको इनपुट टैक्स GST पे करना पड़ रहा है तो जिसके ऊपर GST पे करना पड़ा उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। पहले तो हमने पकड़ा है, GST डिपार्टमेंट ने पकड़ा है तो पहले ही चोरी कर रहे थे तो अब तो उसको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अगर सप्लाई किया है कंसिडरेशन के लिए इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी में तो केस में मिल जाएगा, लेकिन अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो इनपुट है वही आउटपुट सेम है दोनों, जैसे मान लीजिए हम इमोवेबल प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग का ही मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ही काम करते हैं और जब हमारा काम ही बिजनेस यही है तो फिर उस केस में तो मिल जाएगा दोनों सेम। लेकिन अगर मैं पर्सनल काम के लिए इमोवेबल प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर करवा रहा हूँ तो उस केस में नहीं मिलेगा। यही बात आगे क्या रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम पर्सनल कंडीशन के लिए पर्पज़ के लिए लेते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस इनपुट और आउटपुट हमारा सेम होगा तो उस केस में मिल जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 17 एक ब्रीफ पार्ट में है और इसको फिर जो एग्जीक्यूशन है वो इसके रूल्स में डिफाइन होता है, वो रूल्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।